नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार। श्रोताओं, आज हम उपस्थित हैं जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख आदरणीय संत तुलसीदास जी से कुछ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हेतु। सबसे पहले हम अपना परिचय प्राप्त करेंगे। आप जी का अपना परिचय दें। संत राम चौधरी, प्रबंधक जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में वाणी लिखी है कि सोई सतगुरु पूरा कहावे, जो दो आखर का भेद बतावे। वे दो अक्षर कौन से हैं? क्या उन दो अक्षरों का भी जाप किया जाता है? नहीं, बल्कि साधना की जाती है। और वैसे तो उसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम, तिनके संग सिहुबरे, नानक हरगुण गाओ। सार नाम, सत नाम, सत्य लोक, सत्य पुरुष, सार शब्द पर कुछ प्रकाश डाले। सार शब्द तो वास्तव में ये है कि सारी जीवात्माएं शब्द पर ही उतारी गई और उस सतदेश से ही उतारी गई, बीच में कई स्थानों पर होती हुई आई। बीच में इसलिए सीधी नहीं उतरी क्योंकि वह बहुत आनंद का देश था। तो वास्तव में सार शब्द तो ये है कि नीचे से सूरत, पहले स्थान से, दूसरे स्थान से, तीसरे स्थान से, अभी आध्यात्मिक विषय है, पहुँच का विषय है, पहुँच करके और जब वो सत्य देश सतलोक में सूरत पहुंच जाती है, तो वास्तव में सार शब्द तो यही है। लेकिन शब्द से ही ये सूरत जा सकती है और शब्द ही सार है। तो ये थे जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहिब, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं, ये हमारे हितैषी हैं, हम दर्द हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं, ये अपना मूल ठिकाना नहीं है। हम यहाँ के वासी नहीं हैं, यहाँ हम सुखी नहीं हो सकते। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो और जिस सुख को तुम छोड़ आए हो सतलोक में, उसको तुम यहां खोज रहे हो। जो सुख आपको अपने घरों में होता है, उस फैसिलिटी को आप जेल में चाह रहे हो, वो कभी नहीं हो सकती। तो ये 21 ब्रह्मांड जेल है काल की, 21 ब्रह्मांड ये काल की कैद है, इसमें हम बंद हैं, कर्मों का दंड हम भोग रहे हैं और संस्कारों के बंधन से, रस्से से, बेड़ियों से हमें बांध रखा है। और इस जेल में हम सुख ढूंढ रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता और भोलापन है। परमात्मा कहते हैं जो वास्तविक विधि है परमात्मा की भक्ति करने की, उससे तुम अपरिचित हो। और इस काल की प्रेरणा से प्रेरित होकर के साधकों ने अपने मनमुखे आचरण शुरू कर दिए हैं। पुण्यात्माओं, श्रद्धालु की श्रद्धा ब्लाइंड होती है, वो ब्लाइंड फेथ करता है और ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन उस श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, उस स्वभाव का जो एक श्रद्धालु के अंदर होता है, वो ब्लाइंड फेथ करता है अपने गुरुओं पर, ऋषियों पर, जो वो बताते हैं, टीचर्स पर, जो टीचर होते हैं, आध्यात्मिक टीचर। और उन्होंने, श्रद्धालुओं ने इन अज्ञानियों को महर्षि, मंडलेश्वर और परम धड़ी मान लिया, सतगुरु समझकर उन पर विश्वास कर लिया, उन्हें जो वचन कहे सरोधार्य कर लिए। वो दुरुपयोग किया उन्होंने, अभी तक मूर्ख बना रहे हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं, श्रद्धालु उनके पीछे लगे हुए। महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से सीधा आया था, राजा का लड़का था,
जो व्यक्ति स्वर्ग से आया है तो यहाँ के सुख उसको कुछ नहीं लगते, उसका मन नहीं लगा, पिछले संस्कारों ने अंगड़ाई ली, वो घर त्याग कर चला गया, मनमुखी साधना शुरू कर दी, हठ योग किया, मरने को हो गया, गया के अंदर एक माई ने उसका मुंह का दूध चावल लगाए, जब वो धीरे धीरे होश में आया, कुछ फिर आहार करने लगा, तब उसने कहा था स्टार्वेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तो भगवान नहीं मिल सकता। फिर उसके पिछले संस्कार थे कुछ, उसके कारण उसके वचन में शक्ति थी, लाखों लोग अनुयायी हो गए, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। जैसे पूरा चीन महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उसके साथ धार्मिकता से लगे थे, ना कि राजनीति से। अब आगे चल के महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए साधनों से, वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से कोई लाभ हुआ नहीं, वो नास्तिक होने थे, क्यों भगवान है नहीं फिर। तो ये यही चाहता है कि जैसे ही ये लाखों करोड़ों व्यक्ति नकली गुरुओं के पास पहुंच गए, अच्छी आत्माएं श्रद्धा से बैठे हैं और सोचते हैं मोक्ष होगा, अब उनको इस ज्ञान का पता चलेगा परमात्मा के सच्चे ज्ञान का, तो वहां से भागेंगे वह। ऐसा कोई पागल नहीं आज के दिन, ऐसा बावला नहीं है कि उन मूर्खों के फिर भी चिपका रहेगा। हमने भगवान पाने के लिए ही हम मुसलमान बने, परमात्मा पाने के लिए हम हिंदू बने, भगवान के लिए हम सिख बने, भगवान के लिए हम ईसाई बने, क्योंकि ईसा जी के वचनों का अनुसरण करने वालों को ईसाई कहने लगे, तो हम इसलिए अलग अलग हुए। अब हम बुद्धिमान हैं, पहले तो हम एक व्यक्ति पर आश्रित थे, किसी संत गुरु पर, उसने जो बता दिया हम सही मानते थे। अब हमारे सभी सदग्रंथ और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाए उनके विचार ये बताते हैं और उनके सब एक मेल खाते हैं, तो हमने अब उन भ्रमित वचनों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म के या सिख धर्म के हैं, जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है उनको त्यागना पड़ेगा, और तभी हम भगवान के निकट जा सकते हैं। अब प्रसंग चल रहा था कि ये सुबह ढाई घंटे शाम ने ढाई घंटे बैठने का विधान ये संत मत का नहीं है, ये तो हठ योग है, और ये तो हजारों वर्ष करके देख लिया इससे कुछ भी ना मिला, और कहते ध्यान लगाते हैं ये नकली पंथ वाले, कहते हम सीधा त्रिकुटी पर जाते हैं, और त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे है इस बैक साइड में, और कहते हैं त्रिकुटी से हम सीधा ऊपर को चलते हैं। ऊपर कहाँ जाओगे तुम, न सतनाम का बेरा न सतलोक का बेरा, सतनाम को कहीं तुम सथान बता रहे हो और सतनाम को कहीं सतपुरुष बता रहे हो, और सतनाम तो जड़ है सारे मार्ग की, सतनाम दो अक्षर का मंत्र है, इस जिसमें एक ओम है एक तत् है, तत् वो सांकेतिक है, दास बताएगा जो जिनको सतनाम प्राप्त है दो अक्षर का, वो श्वास उश्वास से उसका सिमरण है, तो वो सतनाम है। इनको सतनाम कहना, मेरा नाम दे ये पांच, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, ये तीनों काल के सर्व में, और सोहम और सतनाम, यहाँ सतनाम नाम बता रहे, वहाँ यत इनकी जो एक पुस्तक है सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक, उसके अंदर लिखा है कि वो सतनाम चौथा लोक है, चौथा मंजिल है, और फिर वही सार शब्द है, वही सार नाम है सतनाम ही, और सतनाम ही सचखंड सतलोक है, सतनाम ही सतपुरुष है। अरे झूठा ज्ञान, और ध्यान कहाँ लाओ तुम, ये बाद विदा चतुराई, तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, तुम ध्यान कहाँ लगा रहे हो, तुम्हारा थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल क्या करोगे तुम। वो उआ बाई बकते हैं, एंड वेंड के नाम देते हैं, और पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, पांचों काल आप पे कहें, जिसको ये तुलसीदास आथर्स वाले को ये मानते हैं कि इन्हीं की कुछ प्रेरणा पा करके इस शिवदयाल जी जो थे इनके परम धनी, उन्होंने प्रेरणा पा करके साधना शुरू की थी, लेकिन उनका गुरु नहीं बताते वो, तो वो पांचों नामों को काल का बताते हैं, ये पांच नाम पर घाटा जोड़ रहे, तो ये कहाँ जाएंगे, इसी देख काल के मुख के अंदर हैं। तो अपने आत्माओं दास के इस प्रयत्न को निंदा या किसी का वो नहीं समझना, एक परोपकार समझना। कई भक्त कहते हैं आपके गुरुजी जो है निंदा करते हैं दूसरों की, नहीं, जैसे एक बार किसी ने 500-500 के नोट नकली छाप लिए और वो ठग रहा था जनता को, सरकार को पता चला, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाए थे कि ये ओरिजिनल है, इसमें ये लक्षण है, ये डुप्लीकेट है, अगर ऐसा हो तो उसको ग्रहण ना करना, वो नकली है।
तो कोई ये कहे कि निंदा कर रहे हैं क्यों, किसी के नोट को बेकार बता रहे हैं, तो वो निंदा नहीं थी, महाप्रोपकार का कार्य था सरकार का, लाखों लोग बच गए ठगने से, तो दास का वही प्रयत्न समझ लेना, ये किसी की निंदा नहीं है, ये महाप्रोपकार का कार्य कर रहा है, अंत में देखना इसका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। रोया करेंगे वो प्राणी जो ऐसे नकली लोगों के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे, रोया करेंगे उनको और धिक्कारा करेंगे उन नकलियों को, तुमने अपना जीवन खोया, हमारा भी खो दिया। अब प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते रहे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। कि नानक साहब भी ये दो अक्षर का मंत्र जाप करते थे, दो अक्षर का, और नानक साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। अब संकेत करके कि वो पूरा गुरु होगा जो दो अक्षर के मंत्र को बता देगा। पुण्यात्मा सत्कर मान लेना, इस दास को सन 1988 में मंत्र प्राप्त हुआ था, उस समय यही मंत्र था जो आज गुरु नानक देव जी ने बताया, और वही दास को मिला, और फिर 1994 में दास को आदेश हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से कि उपदेश शुरू कर दे, नाम दिया कर तू। उस दिन से आज तक यही मंत्र दास देता आ रहा है, और हमने नहीं देखा था गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब को तो हमने बहुत बाद में देखा है, उसमें भी ये मंत्र नहीं है कम्प्लीट, जगह जगह पर है, अलग अलग लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं निर्णायक, प्राण संगलिक में लिखा मिला, वो भी बाद में देखी थी हमने, और वेदों के अंदर भी बाद में ही देखा है परमात्मा की महिमा को। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो हमें प्राप्त हुआ था और जो परमात्मा ने स्वयं आकर प्रदान किया उन महापुरुषों को, वही जाप हम कर रहे थे, तो उससे ही मोक्ष होगा, और उसको इसलिए छुपाना कंपलसरी था, नहीं तो नकली भी ये नाम देते पाते, और ये काल के दूत हैं क्योंकि इनको आदेश नाम देने का नहीं है। तो फिर आज हम डिफरेंस कैसे करते, भिन्नता कैसे बताते असली और नकली की। अब ये मंत्र है सतनाम, ये दो अक्षर का, इसको सतनाम कहते हैं, ये दो अक्षर का मंत्र है, और तीसरा मंत्र अलग है जो सार नाम है, ओम और तत् समझो ये है, और सत फिर भी भिन्न है। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, कबीर परमेश्वर कहते हैं, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए, किसी भी सदग्रंथ में, गीता वेद पुराणों में, कहीं कुरान और बाइबल में कहीं भी ये सोहम शब्द नहीं मिलेगा आपको, ये कबीर वाणी में मिलेगा। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए, वो अभी तक नहीं खोला था, अब इस दास पे कृपा की है परमात्मा ने, वो सार शब्द भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, आदेश परमात्मा का इसी समय होना था। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि किस चीज से मोक्ष होगा, वो मंत्र है सतनाम, और सतनाम है दो अक्षर का, हरिनाथ दास स्वामी वाले ने सतनाम का भी राना, वो सतनाम की तो खान का है पीण का, ले थोड़ी सी रिहर्सल करा देता उनकी। अब ये राधा स्वामी वाले श्रद्धालु क्या कहते हैं कि हमारे गुरुआ दा ज्ञान वेदों और गीता तो ऊपर का है, और अपने वेदों और गीता की कोई आवश्यकता नहीं, और हम तो त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं, नीचे की हमने आवश्यकता नहीं। पुण्यात्माओं, त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिकुटी ये समझो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर इंसान जब जाता है पहले उसका पासपोर्ट होता है, उद्देश्य होता है कि देश में जाना, पासपोर्ट बन चुका होता है, रास्ते की किराए की टिकट भी उसकी बन चुकी होती है, और वो टिकट और पासपोर्ट बनाने से पहले उसने क्या क्या करना पड़ता है, उस देश का नो डू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सभी अधिकारियों से जा जाकर उसने वहाँ का क्लियरेंस चिट लेनी पड़ती है, तब वो एयरपोर्ट पर जा सकता है और विदेश जा सकता है। अब हमारे शरीर के अंदर जो है, ये हमारा शरीर है, इसके अंदर हमारे आत्मा है, जीव है, और इसके बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर अंदर की तरफ कमल बने हुए हैं, जहाँ ये ख़त्म होती है रीढ़ की हड्डी नीचे गुदा के पास, इससे दो उंगल ऊपर अंदर की तरफ मूल कमल है, गणेश जी का वास है, और उससे ऊपर दो उंगल ऊपर सावित्री ब्रह्मा जी का वास है, एक
अधिष्ठान चक्र बोलते हैं उसको, यानी स्वाधिष्ठान स्वाद चक्र लिखा अग्र संतों ने। उससे फिर नाभि, जो सुंडी है हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ में एक नाभि कमल है, विष्णु और लक्ष्मी जी का उस पर आधिपत्य है। और हृदय कमल, ये हृदय हार्ट नहीं, हृदय माने बीच का, यानी दोनों सतनों के बीच में यहाँ पर बैक साइड में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैक बोन के अंदर, तो वहाँ एक 16 कमल की पतियों का यानी वो एक चक्र है, इसमें शिव और पार्वती का स्थान है। फिर यहाँ कंठ कमल में, यहाँ नहीं, इसके सामने बैक में, यहाँ पर जहाँ से रीढ़ हड्डी की हड्डी थोड़ा सा बैंड होती है, ये 12 पंखड़ियों का कमल है। यहाँ पर इसका शिव और पार्वती का 12 पंखड़ियों का है, और दुर्गा का जो है वो 16 पंखड़ियों का एक कमल जैसे आकार की आंतड़ी सी बनी है, कमल के पत्तों के आकार की। तो ऐसे इन सभी इन प्रधानों के ऑफिस कार्यालय हैं हमारे शरीर में। आत्मा चलेगी जब हृदय कमल से, हृदय कमल में इसका भी वास है, क्योंकि एक स्थान पर हर तरह की व्यवस्था होती है। तो ऐसा पूरे ब्रह्मांड का चित्र, जैसे टेलीविज़न होता है ना, टेलीविज़न उसमें चैनल लगे हैं, ऐसे शरीर में चैनल है। उस चैनल में कार्यक्रम, जिस भी चैनल को ऑन करोगे वो होता कहीं और है कार्यक्रम, दृष्टिगोचर होता है यहाँ पर, ऐसे ही है। तो हमने जब यहाँ से चलेंगे तो मूल कमल से स्टार्ट होगा हमारा नोडू सर्टिफिकेट लेना। तो हम ये आपको मंत्र देते हैं, इनसे यहाँ का ऋण जो इन प्रधानों का आपका सब समाप्त हुआ मिलेगा, और आपका नोडू सर्टिफिकेट बना बनाया तैयार पाओगे इनके पास। और फिर आओगे आप त्रिकुटी पर, वहाँ पर इस दो अक्षर के मंत्र का जाप की कमाई आपके काम आवेगी। इनके पास अक्षर तो एक भी कोई ना, पाँचों काल के। और बात करें त्रिकुटी पर जान की, इन त्रिकुटी तो ऐसी बना रखी जैसे बरवाले का बस स्टैंड हो, कोई पहुँच जा पैदल जाओ तो रिक्शा में बैठ के, बालकों का खेल नहीं है वहाँ त्रिकुटी तक पहुँचना। और इस मंत्र से और इस परमात्मा की शरण से ये बिल्कुल आसान है वहाँ जाना। और इनका ज्ञान दिखाते हैं जो वेदों से भी ऊपर का ज्ञान बताते हैं। देखिएगा सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रकाशित। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब, 2003 में 16वां संस्करण छपा इसका। और ये इसके प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली, इतने का। ये भूमिका है इनकी यहाँ पर। इस भूमिका में स्पष्ट लिखा कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक आजूर स्वामी जी, यानी शिवदयाल जी के महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा तो अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया था सन 1902 में। ओहो, आज 1911 हो गया, आज 2011 है, 109 वर्ष हो गए इस अज्ञान को पढ़ते पढ़ते। 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। पुस्तक प्रस्तुत पुस्तक उसी गुरमुख प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अभी इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 में तो पंजाबी में छपे, और उससे पहले की छिपी हुई थी, और उससे फिर ये हिंदी में बनाई गई। अब कौन थे वो परम धनी जिसने इसके इस पुस्तक में वचन बोले हैं? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। देखा, अगर इनके ये हाथ लग जाते तो ये मंत्र भी देते पाते। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफ़ी संगति की थी। जो ये लेखक है इस पुस्तक का, शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले के वचन सुन रखे थे। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये प्रमाण तले गुरु नानक साहिब की वाणी के, राप डले डोए हठ योग करें, 17 वर्ष तक सुरत शब्द योग का अभ्यास किया।
और सन 1961 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। डी और आगे फिर गंध फैलाया इन्होंने। अब इसके देखिएगा राधा स्वामी दयाल की दया, इसी पुस्तक में चल रहे हैं हम, खुलासा हजूर उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। अब शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लगे हैं। वचन यहाँ से शुरू होता है, ये जगत नाशवान है, ये दफा, ये गीता जैसे श्लोक है इनके, ये मंत्र संख्या दफा एक में क्या लिखा है कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। अब सतनाम को मुकाम माने स्थान बताया, सतनाम को और राधा स्वामी को भी सतनाम बताया है। अब तीसरे में क्या लिखा वचन में, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली को चले। ये नो कहूँ नवीन डले डोए थे, नहीं ये यहाँ गलत बोल रहे हैं। अच्छा चलो फिर कोई बिरला संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पर ये कहें सिर्फ संत मंजिल पाँचवीं यानी सतनाम पर। यहाँ सतनाम मंजिल है, यहाँ सतनाम मंजिल और पीछे मुकाम, मंजिल कहो मुकाम कहो स्थान कहो एक ही बात है। अच्छा अब यहाँ आते हम अब वचन नंबर चार इनका देखो 15 पृष्ठ पे, ये है सार वचन वार्तिक भाग एक पढ़ रहे हैं। इसके चार वचन में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम कहो स्थान कहो, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है। राधा स्वामी भी कहते हैं सच्चे साहब का है, सतपुरुष का और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से दो मुकाम, राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम को ये स्थान बताते आ रहे हैं। ये देखो पीछे यहाँ तीसरे वचन में क्या कहा है कि सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम में पहुंचे, सतनाम स्थान हुआ। और एक वचन में देखो काम इतना है इंसान यानी अपनी सूरत को यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम। अब फिर आते हम चार नंबर पे 15 नंबर पृष्ठ पे चार वचन पे कहते हैं अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। सतनाम को इन्होंने क्या बोला पहले मंजिल मुकाम, ये मुकाम का मुकाम इन बड़का जैसी थ्योरी ने, अरे परम धनी कवा में सतनाम यानी यूँ सोच लो स्थान का स्थान है, स्थान दो स्थान नीचे स्थान का स्थान है मुकाम सतनाम का मुकाम। अब इस सतनाम को आगे डिफाइन किया इन्होंने बहुत अच्छी तरह विस्तृत, देखियो जिसको इस सतनाम को संतों ने सतलोक सतनाम को, सचखंड सतनाम को, सारशब्द सतनाम को, सतशब्द सतनाम को और सतनाम सतनाम को और सतपुरुष सतनाम को बयान किया है। वारे वेद से भी ऊपर ज्ञान वाले हो तोड़ पाड़ दिया इन्हें तो। अब इनका ज्ञान तो ऐसा है जैसे किसी ने सपने में भी कारना देखी हो, सुन सुन रखी हो किसी तरह, जंगल में रहता हो शहर से भी 100 किलोमीटर दूर और वो औरों को भ्रमित करता है कि मैं कार में घूमता हूँ, शहर शहर में जाता हूँ, सड़क पर चलती है कार। अब उसे कोई और किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है, कौन चलाता है ड्राइवर, तो उसे कोई पूछे भी कार कैसी है, किसे कहते हैं ड्राइवर किसे कहते हैं, शहर कैसा है, सड़क कैसी है, पेट्रोल कैसा है, तो वो डिफाइन करे कि सड़क भी कार को कहते हैं, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, शहर भी कार को कहते हैं और ड्राइवर भी कार को कहते हैं। तो उस बुद्धू ने या कोई डिफाइन किया। अब ये सतनाम को डिफाइन करने चले हैं इनके परम धनी शिवदयाल जी जिसे राधा स्वामी पंथ प्रारंभ हुआ है। कहते हैं सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, सतनाम भी कहते हैं, सारनाम भी, सतनाम भी, सार शब्द भी और सतपुरुष भी, सतनाम ही है और सतनाम स्थान है।
और दिखाऊं सतनाम के इनके वेरिफिकेशन। अरे वाह। आगरा से श्री जयमल सिंह जी ने सीधा नाम लिया था शिवदयाल जी से, और जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा स्थापित कर दिया। उसके तुरंत उत्तराधिकारी बने सावण सिंह जी, और सावण सिंह जी से ही एक बलोचिस्तानी सामस्ताना। पुणात्माओं, इनकी जन्मपत्री जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपका समझ मन आओ तुम कहाँ खड़े हो, किसकी ओट लिए बैठे हो। तो इनकी जीवनी जन्मपत्री बतानी आवश्यक होगी है। सावण सिंह जी से उपदेश लिया किसने? बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल सिंह जी ने, और उसने सच्चा सौदा सिरसा में स्थापना कर दी। ये समझ लेना शिवदयाल जी के विचार उनके पास है, नथिंग एल्स। समझदार को संकेत बहुत होता है, और इतनी दुनिया को जोड़ के बैठ गए वो कहाँ ले जाएंगे, उनको कर्म बिगाड़ रहे हैं वो, अपना भी और उनको भी बर्बाद कर दिया। इनका ज्ञान ऐसा है, ये ध्यान कहाँ लगाएंगे, कहाँ जाएंगे। अब सावण सिंह जी के विचार सुनाता हूँ सतनाम के विषय में, देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश और भाग तीन। इन दुनिया भर की पुस्तक गढ़ी सारी निरी बकवाद भर रखी है। 102 पृष्ठ पर संत मत प्रकाश भाग तीन, हजूर बाबा सावन जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। 2007 में लेटेस्ट संस्करण है यो, और प्रिंटेड बाय इन इंडिया बाई गोपसन पेपर लिमिटेड। इसके 102 पृष्ठ पे इन्होंने सतनाम को डिफाइन किया, देखना 102 पृष्ठ पे। ये संत मत भाग प्रकाश के भाग तीन। अब कहते हैं सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, सचखंड कहो तो सतनाम चौथा लोक है, ठीक है। और ये सभी सभी के अंदर है, यु सतनाम चौथा लोक आपके अंदर है। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं इसी के 107 पृष्ठ पर ये क्या बोलते हैं। 107 पृष्ठ पर देखना इस सतनाम को आगे क्या डिफाइन किया है। 106 से शुरू करेंगे। वही सत्संगी हजूर, जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो। महाराज जी ने कहा कि, सावण सिंह जी कह रहे हैं कौन से राम का। सत्संगी ने कहा क्या राम बहुत सारे हैं। महाराज जी बोले सावण सिंह जी चार राम हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है। अब 107 पृष्ठ पे ये संत मत भाग तीन ही है। वही सत्संगी हजूर, चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी सावण सिंह जी लगे डिफाइन करने, जो सच्चा सौदा सरसाड़ा के भी गुरु जी हैं। एक राम दशरथ गढ़डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब देखियो, पहला राम राजा दशरथ के बेटे, जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हम उन्हें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है, जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है, जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, और यो असली राम है। वाह रे, ये भी मेरे ख्याल में क्यों भांग भूंग पीवे थे। अब चौथा राम सतनाम है, और यो असली राम है। इन कई सतनाम में ना समझ वाले सांग के है, और ये पार होएंगे। परमात्मा क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर सतना ही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। इनके मोतिया बंद हो रहा था, इन कह कह का नहीं पता था। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब के कितने अच्छे रेफरेंस ले रखे इन्होंने, सावण सिंह जी ने संत मत प्रकाश भाग चार में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा कि दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। अब देखिएगा संत मत प्रकाश भाग चार, ये श्री सावण सिंह जी के सत्संगों का वचनों का संग्रह है, और ये इनके गीता के से वर्ण हैं। कति आज तक 150 वर्ष से चल रहे हैं इनके, सैकड़ों वर्षों से। और ये देखो इनका कौन है प्रकाशक है, संत मत भाग चार सावन, महाराज सावण सिंह जी। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। और ये पहली बार 2002 तक, 10वीं बार छप चुके हैं 2010 तक, 15,000 यानी 60-70,000 तो ये यहाँ तक छप चुकी हैं। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से।
अब हम आते हैं इसके प्रश्न नंबर 261 पर। यहाँ सावन सिंह जी, अक्सर रूप निखरती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना, ये है अमृतवाणी शिवदयाल की, हर खोलन चला है सावन सिंह, देखना यह संसार सर है और जो अक्षर है वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दे रहे हैं ये। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरफ है तरह सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। यानी इसका संकेत तो गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी की वाणी का है कि वो असली मंत्र इन वेदों में कोनी और वो अभी तक उनमें नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय आदरणीय कबीर परमेश्वर जी की पूज्य कबीर परमेश्वर जी की वाणी भी लिखी नहीं गई थी जब गुरु ग्रंथ साहिब के नानक साहब ने वाणी बोली थी। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो, इसको अनुवाद कर रहे हैं ये सावन सिंह जी, जिसके 52 अक्षर हों, इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, आगे दो अक्षर और हैं, दो अक्षर और हैं जो पारब्रह्म हैं, वो दो अक्षर ही खुद तो कह रहे हैं पारब्रह्म हैं। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे, और एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिना दो अक्षर दो नामा, दो अक्षर दो नाम है, दो अक्षर के दो नाम है वह, और परणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। ये गुरु ग्रंथ साहिब के इस पन्ने पर अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे, हरिव्यू क्या भेद बताओगे इसका देखना। यदि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी, इसका अनुवाद करेंगे, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप प्रश्न करें आप उत्तर दे रहे सावन सिंह जी, वो तो पार ब्रह्म है, दो अक्षर, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। वाह रे वाह। और यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर दो भाक और होगा खसम तलेगा राख। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे, कह रहे हैं कबीर साहिब कहते हैं कह कबीर दो अक्षर भाख, भाख माने बोल कर सुना, और ये नौके आगे पाओगे पार ब्रह्म है, वो अक्षर है पार ब्रह्म पाओगे, आगे दो अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है वो मरे पाछे मिलेंगे इन्हें। और रेफरेंस दे रहे हैं जिन महापुरुषों की वाणी को, वो तो कह रहे हैं दो अक्षर बोल भाख, यानी दो अक्षर का नाम देना चाहिए, और होगा खसम तलेगा राख, यानी इस नाम के देने का अधिकारी कोई संत होगा तो आगे रक्षा होगी। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं एक अक्षर हर मन बस है नानक होत निहाल, एक अक्षर और है जो सार नाम है वो तीसरा मंत्र है, इसकी तरफ संकेत है। इन संतों महापुरुषों की वाणी भगवान की वाणी सही है, लेकिन ये समझ नहीं सके। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब शासत इन पढ़ा मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरमुख जाप है तिसकी निर्मल होई। अब गुरु ग्रंथ साहिब के इस 747 पृष्ठ पर न्यू लिखा है कि उस अक्षर का जाप करना गुरुमुख ने, यानी गुरु धारण करके गुरुमुख हो करके फिर उसका जाप करना है, ये नो के पार ब्रह्म मिलेंगे। ये देखो वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, ये अनुवाद करे सावन सिंह। अब वाणी क्या कह रही है गुरु ग्रंथ साहिब की कि एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, ये तो जाप करना है गुरुमुख होकर, गुरु जी का शिष्य बनकर कोई परम संत बनाकर, और ये कह रहा है ये वह अक्षर आपके अंदर है मरे पाछे मिलेगा और पार पर मजा के मिलेगा वो जब भूत बन देंगे। अकल देखो इनकी, वाणी क्या कह रही है, अनुवाद क्या कर रहे हैं। तो अभी तक हम इनको परम संत मान के हमने डाउट ना होया, अब इनकी कितने भी थ्योरी ठीक नहीं पाओगी, आपको देख लेना है। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। यो सतनाम में ना समझ मारे इनके, एक बताने लगे देश ने। अरे वाह,
हमारा धर्म सत्पुरुष है, धर्म इनका सत्पुरुष है, ये पराया देश छोड़ कर आत्मा अपने देश को जा रही है। और देखो यह आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़ कर और सतनाम में जा रही है। ये देखो कि एंडमेंट बोल रहे, अब इन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और यू राधा स्वामी पंथ जोड़ा। अब देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सो हम शब्द और सत शब्द। ये गीता जी के तीसरे 17वें अध्याय का 23वां श्लोक की तो सुन लिया इनने, इसमें यू और जोड़ दिया और सत शब्द, इसका किसी ने पता है कोई नहीं। परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए और यू तैबा हमने गुप्त छिपाए, गुप्त बता दो यू तीसरा कित, और ये इनका जाप भी ना करते। और ये दो अक्षर हैं जो पूरा गुरु बतावे है, सोई गुरु पूरा कहावे 261 पृष्ठ पे, ये संत मत भाग के गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखे, सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे। वो तैबा बताओगा जीवित में, मेरे पास से के बताओगा जाने के बाद, स्पष्ट कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी तो। और एक छुड़ावे एक लखावे, ओम का जाप करेंगे काल से छुटवाएगा, और दूसरा मंत्र है वो हमें सतलोक भौर गुफा तक ले जाएगा, वो मंत्र आगे पहुंचा नहीं सकता जब तक सार नाम नहीं होगा, वो वहाँ से दर्शन हो सकते हैं, वो सतलोक है लेकिन जा नहीं सकते, बीच में पारदर्शक एक बहुत बड़ा सीमा है बना रखी है परमात्मा ने। तो वो एक मंत्र है वो अलग से मिलेगा, एक छुड़ावे एक लखावे, उन दो अक्षर में बता रखे हैं। तो पुणात्मा अब और दिखाते हैं इनके विषय में क्या कहा भगवान ने, बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न जावेंगे ये 84 के डोरे। संतों की वाणी को चुरा कर पंथ जोड़ कर बैठ गए, न कह खे का नहीं पता, महापुरुषों की वाणी क्या कह रही है, ये खुद उपदेश क्या दे रहे हैं, कहाँ वो पांच नाम, पांच नाम वो नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब में पांच नामों का भी जिक्र है और उन पांच नामों से मोक्ष नहीं है, वो पांच वो नहीं है, अरंकार ओंकार ये कहीं नहीं लिखा गुरु ग्रंथ साहिब में, वो पांच नाम अलग हैं, पांच प्रधानों के हैं, इन पांच प्रधानों के जो आपको दिए जाते हैं। अब यो तो आपने देख लिया, मोती मुक्ता दर्शत ना ही ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। आज से 550 वर्ष पहले नानक देव जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने फिर उनसे कहा था कि अभी आप इस ज्ञान का प्रचार अवश्य करो लेकिन यह सतनाम नहीं देना ना बताना किसी को। जैसे उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है, बाला और मर्दाना ये दो भक्त बहुत अच्छे सेवक थे, श्रद्धालु समर्पित थे नानक जी पर, तो आदरणीय नानक साहिब जी के साथ ही रहते थे। उनके सतलोक गमन के उपरांत जो द्वितीय सेकंड जो अधिकारी हुए नानक साहिब जी के, वो अंगद देव थे, उन्होंने बाला और मर्दाना से पूछा कि आप उनके साथ रहते थे, गुरुजी कैसी क्रियाएं करते थे, कैसे रहते थे, वो सब कथाएं सुनाई। आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली, देखिएगा सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके प्रकाशक हैं, ओम सतगुरु प्रसादी, ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी, श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते दसां पादशाहां दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक श्री डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये कहाँ से छपी है, पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर तो। अब इसके 547 पृष्ठ पर समुंदर दी साखी, पृष्ठ 547, यहाँ से पढ़ेंगे। बाला संधु वाच, ये बाला संधु वाच, संधु इसका गोत्र था बालाजी का, बाला संधु वाच,
अब वो बाला संधु बोला, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी जीतिए कोलो जीतिए पासों विदा हुए, अजीते अजीते ते विदा होकर आगे चले, ता मर्दाने किया सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता देखिया, पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा, चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानु रंज नहीं करना, अखी मिटो जा अखी मीट के खोलिया, ता समंदर दे कंडे जाई खड़े हुए ते आखन लगे, बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरुजी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पे जा चले जावन, ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जंदे हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपन, ते लग्या गोते खावन, जा गुरु नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी कहा, मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए, तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लग्या वाहे गुरु कहन, ता फिर चल जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। ये हो सकता आपका पंजाबी ना समझ माई और नहीं पढ़ सकते हो तो एक हिंदी और दिखाते हैं, निके दौरान अनुवादित है देखिएगा, क्योंकि दास का उद्देश्य है कि संशय का नाश करूं कति। ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये प्रकाशित है, ये इसके प्रकाशक है, इसके 559 पृष्ठ पर लिखा है, ये वही है पंजे साहिब और 10 पादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है, प्रकाशक चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से, इसके केवल प्रकाशक और अनुवादक बदले हैं, बाकी वो मैटर जो का जो है। ये है 559 पृष्ठ और समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाना ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने, गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे, मर्दाना इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जब तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाने वाहे गुरु नाम की रट लगाई फिर वह पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। पुणात्मा ये आध्यात्मिक मार्ग है, अभी तक छुपा के रखना था, परमात्मा का आदेश था, इसी में हमारा हित था जो महापुरुषों ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। अब पूरे सिख समाज में ये मंत्र नहीं है और इस कारण से क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया तो ये सपने में भी नहीं, इसका जिक्र भी नहीं किया किता है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जब संग्रह करने लगे अंगद देव जी
वैसे इनका संग्रह तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था, फिर भी वाणी सभी महापुरुषों ने जैसे जैसे लिखी थी उस समय इस उद्देश्य से कि गुरु जी का आदेश है, ये मंत्र किसी के हाथ नहीं लगे और इसका जाप नहीं करना, किसी को पता भी ना लगे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब की जो संग्रह किया वाणियों का उस समय वो वचन ही छोड़ दिए जिसमें क्लियर मंत्र था, वो सब वाणी छोड़ दी, और इसलिए कि कहीं किसी के हाथ लग जाए वो जाप ना कर ले गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। तो एक प्राण संगली बना रखी है सिख समाज ने ही, उस प्राण सिंगली के अंदर ये मंत्र लिखे हुए हैं, गुरु जी के वो शब्द लिखे हुए हैं जिसमें ये मंत्र स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जाप जप, और उसमें ये लिखा प्राण संगली के अंदर गुरु ग्रंथ के समय संग्रह करते समय ये वाणियां बच गई थी, इनको अलग से संग्रह कर करके और महले पहले की वाणी है ये प्राण संगली नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई है। ये संत कमावे थे और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को उल्टा पाठ पढ़ावे थे। परमात्मा क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चम इनका फेरा मोतिया बंदरे, इनका मोतिया बंदोरा था, इन कह कह का नहीं पता था। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब के कितने अच्छे रेफरेंस ले रखे इन्होंने, सावन सिंह जी ने संत मत प्रकाश भाग चार में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा कि दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। अब देखिएगा संत मत प्रकाश भाग चार, ये श्री सावन सिंह जी के सत्संगों का वचनों का संग्रह है, प्रश्न नंबर 261 पर। यहाँ सावन सिंह जी अक्षर रूप निखरती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना, ये है अमृतवाणी शिवदयाल की, हर खोलन चला है सावन सिंह, देखना यह संसार सर है और जो अक्षर है वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है, जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दे रहे हैं ये, पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, आगे दो अक्षर और हैं, दो अक्षर और हैं जो पारब्रह्म हैं, वो दो अक्षर ही खुद तो कह रहे हैं पारब्रह्म हैं। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे, और एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिना दो अक्षर दो नामा, दो अक्षर दो नाम है, दो अक्षर के दो नाम है वह, और परणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा, ये गुरु ग्रंथ साहिब के इस पन्ने पर अंकित है। इसका अनुवाद करेंगे, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है, आप प्रश्न करें आप उत्तर दे रहे सावन सिंह जी, वो तो पार ब्रह्म है, दो अक्षर, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया, वाह रे वाह। और यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर दो भाख और होगा खसम तलेगा राख। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ में, कह रहे हैं कबीर साहब कहते हैं कह कबीर दो अक्षर भाख, भाख माने बोल कर सुना, और ये नौके आगे पाओगे पार ब्रह्म है, वो अक्षर है पार ब्रह्म पाओगे, आगे दो अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है वो मरे पाछे मिलेंगे इन्हें। और रेफरेंस दे रहे हैं जिन महापुरुषों की वाणी को, वो तो कह रहे हैं दो अक्षर बोल भाख यानी दो अक्षर का नाम देना चाहिए, और होगा खसम तलेगा राख यानी इस नाम के देने का अधिकारी कोई संत होगा तो आगे रक्षा होगी। सोई गुरु पूरा कहावे 261 पृष्ठ पे ये संत मत भाग के गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखे, सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे, वो तो इब्बा बताओगा जीवित में, मेरे पास से के बताओगा जाने के बाद, स्पष्ट कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी। तो इनके विषय में क्या कहा भगवान ने, बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न जावेंगे ये 84 के डोरे।
सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।